हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ कहानी क्वीन आपके लिए ढेर सारी कहानियाँ लेकर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आज की कहानी है कौवा और शियार। एक बार एक जंगल में शियार भूख की तलाश में निकला था। उसे बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी। इधर उधर देख रहा था, पर उसे खाना ही नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर एक कौवा था। कौवे के मुंह में एक पनीर का टुकड़ा था। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये पनीर का टुकड़ा मुझे मिल जाए। तभी उसने कहना शुरू किया, कौवा भाई साहब, मुझे आपकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती है, आप अपनी आवाज में कुछ सुना दें। कौवा पागल था। वह उसकी बात में आ गया और उसने काऊ काऊ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने काऊ काऊ शुरू कर दिया, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और शियार उसे खा गया। तो कभी भी किसी की भैली फुसली बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई लव यू।